हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। हमने आपसे प्रॉमिस किया है और हर वादा पूरा करेंगे। आपसे वादा किया था कि आपके लिए बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के आखिरी सेमेस्टर तक के कहीं भी किसी भी सेमेस्टर में जो टॉपिक, जो चीज़, जो टर्मिनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, हम उसके लिए कोशिश करेंगे उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू, कुछ डायग्राम और कुछ मूविंग एनिमेशन के थ्रू आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आज का जो टॉपिक होगा वह है प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अगर आप ये सोचते हैं कि यह टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी है, इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हिंदी मीडियम से बेस करते हैं और उनको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम है। तो अगर आपको आज का टॉपिक मालूम है तो आपसे क्षमा चाहूँगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं, आगे इस वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक सिंपल सा डेफिनेशन का कि ऑस्मोसिस क्या है और डिफ्यूजन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे मूवमेंट होते हैं आपके सॉल्यूट का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। यहां पे कहने का मतलब यह है कि अगर शुरुआत ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस में कोई सॉल्यूट है जो एक जगह पे रहेगा तो उसका कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा है, चाहे आप इसे ड्रग के मॉलिक्यूल को लेकर ले लें, क्योंकि वो जब स्टमक में या इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। धीरे धीरे समय के साथ साथ इनका जो कंसंट्रेशन है वो उस ओर मूव करता जाएगा, यानी कि जो मूवमेंट होंगे सॉल्यूट के वो उस ओर होते जाएंगे जहाँ पे उनका कंसंट्रेशन कम है। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज सिंपली नोन एज अ डिफ्यूजन। अगर हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की तो यहाँ पे उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी और एडअप हो जाते हैं। तो आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होगा? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट जो आपके सब्सटेंस को घोल रहा है, विलायक की हम बात करते हैं, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे एक चीज और भी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कह रहा है वह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होगी ही यहाँ पे, किसमें? ऑस्मोसिस के प्रोसेस में। जबकि डिफ्यूजन में ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो, उसके बिना भी ये प्रोसेस हो सकता है। और ये जो प्रोसेस है वो तब तक चलेगा जब तक कि दोनों ओर इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन हो जाते। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया, और आप अपने स्क्रीन पे जो इमेज भी देख रहे हैं ये कंप्लीट इमेज है। तो चलिए अब इस इमेज को हम एक मूविंग एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पावर पॉइंट को यूज करते हुए एक मूविंग एनिमेशन बना करके देखते हैं कि इसमें जो प्रोसेस है वो हो कैसा रहा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस के बारे में, और इस डिफ्यूजन के प्रोसेस को समझने के लिए हम लेते हैं एक बीकर, और इस बीकर में हम सिंपल सा टैप वाटर या फिर रनिंग टैप वाटर, डिस्टिल वाटर आप एक सैंपल के फॉर्म में ले सकते हैं। इस डिस्टिल वाटर में हमने यहाँ पे अब ऐड करने हैं आपके स्पूनफुल ऑफ शुगर को, एक चम्मच शक्कर को हम इसमें ऐड करना है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शक्कर का जो कंसंट्रेशन है वो कम्प्लीटली ज़्यादा है, क्योंकि ये सब एक जगह पर हैं और हमने इनको अभी तक डिजॉल्व नहीं किया है आपके प्लेन वाटर में। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस टेबल स्पून ऑफ शुगर को आपके प्लेन वाटर में ट्रांसफर करेंगे और बिना हेल्प ऑफ किसी स्टिरर के या स्पून के इसको ऐसा रहने देंगे। जब धीरे धीरे समय बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि जो टीस्पून शुगर था वो एक जगह पे आ गए हैं, यानी कि इनका जो कंसंट्रेशन है इस पर्टिकुलर बॉटम ऑफ वाटर पे ज़्यादा होगा। समय के साथ साथ ये जो आपके टीस्पून शुगर के मॉलिक्यूल हैं वो कुछ इस तरह से डिस्पर्स होना शुरू होंगे, यानी कि वो मूव करेंगे टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। और यही तो कारण है कि जब हम शक्कर को पानी में रखते हैं तो कुछ देर बाद जो पूरा का पूरा पानी है उसमें एक मीठापन स्वाद आने लग जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो शुगर के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक जगह पे रहते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये बता रहा है कि डिफ्यूजन के केस में जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है। तो ये हो गया जो हमारा प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन का। इसमें हमने क्या कंक्लूजन निकाला, आप अपने आप बीकर के राइट साइड देखिए, शुगर डिफ्यूज होता है और इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस की। तो ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है एक प्रकार से कह लीजिए ऑपोजिट होता है आपके डिफ्यूजन के प्रोसेस से। इसको भी समझने के लिए हम एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में हम एक टैप वाटर या डिस्टिल वाटर को फिल करते हैं। चूंकि हमने ये कहा कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का अंतर होता है, तो चलिए हम इसमें अब एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इंसर्ट करते हैं। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सेमी मतलब आंशिक, परमिएबल मतलब जिसमें से होकर के कोई चीज जा सके, और मेम्ब्रेन एक परत या तो झिल्ली है। तो अगर इन सब वर्डों को जुला दें, मिला करके आप इसका मतलब समझना चाहेंगे तो एक ऐसा मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अपने से होकर के जाने देता है। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है एक प्रकार से सेपरेशन करने का भी काम करेंगे। तो अब इस बीकर में जिसमें हमने पानी रखा हुआ है और इसमें हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखा है,
बचपन में आपने किसमिस का भी एग्जांपल पढ़ा होगा, तो किसमिस का जो आउटर लेयर है, शेल है, ये एक प्रकार से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। तो यहाँ पे हमने एक आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इंसर्ट किया हुआ है। अब इस बीकर के लेफ्ट साइड हम कुछ मॉलिक्यूल ऑफ शुगर ट्रांसफर करते हैं, जबकि बीकर के राइट साइड जो कि आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेटेड है, ज़्यादा कंसेंट्रेशन में शुगर के मॉलिक्यूल को इंसर्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होंगे वो लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन के होंगे जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए लोअर कंसेंट्रेशन किसका है, ये लोअर कंसेंट्रेशन है हमारे आपके लेफ्ट साइड वाले मॉलिक्यूल्स का। तो ये जो लेफ्ट साइड वाले मॉलिक्यूल हैं वो अब आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सॉल्वेंट है वाटर के वो मूव करते हुए आपके राइट साइड मूव करेंगे। तो कुछ इस तरीके से इनको समझा जा सकता है। अगर हम इनके बारे में बात करें यह किन चीज़ों को डिनोट करते हैं, तो अभी आप जो देख रहे हैं इस ये है शुगर मॉलिक्यूल और इस तरह के जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं यह है वाटर मॉलिक्यूल। तो अब हम बात करते हैं इनके अगले के स्टेप में। अगला जो स्टेप है वो आप देख सकते हैं एरो के इस तरफ। तो अगला स्टेप में सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या होने वाले हैं, अब यहाँ पे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होने वाला है। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है राइट साइड में, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो लेवल ऑफ वाटर का है थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा, जो अभी फिलहाल आंशिक रूप से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ एनिमेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट की ओर मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। अब हमारे जब तक प्रोसेस चलते रहेंगे वाटर के मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो आपके लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की ओर होता जाएगा, क्योंकि उनके कंसंट्रेशन को हमको बैलेंस करना है दोनों तरफ का। तो कुछ देर बाद जब ये प्रोसेस चलता रहेगा तो आप पाएंगे कि वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये चीज़ों को आप दोबारा देख लें, ये वाटर का लेवल क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, ये वाटर का लेवल इंक्रीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लेफ्ट साइड के वाटर मॉलिक्यूल थे इनका जो कंसंट्रेशन था वो आपके राइट साइड के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन से कम था। इसलिए इनको बैलेंस करने के लिए, इनको डाइल्यूट करने के लिए हमारे जो लेफ्ट साइड के वाटर मॉलिक्यूल थे वो मूव कर रहे थे राइट साइड विद हेल्प ऑफ सेमी पेरेबल मेम्ब्रेन। तो इसके कारण से आप कुछ देर में देख पाएंगे कि जो राइट साइड का वाटर लेवल था वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो इंक्रीज लेवल आप देख रहे हैं रेड कलर के एरो में, ये इस चीज को डिनोट करता है कि ऑस्मोसिस के थ्रू जो लोअर कंसंट्रेशन था ये आगे जाकर के मूव हुए हैं आपके हायर कंसंट्रेशन की ओर। तो ये था सेमेंट प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जिसमें हमने देखा कि मूवमेंट ऑफ जो वाटर है वो हो रहा था। अब अगर हम इनका कंक्लूजन निकालें तो आप अपने लेफ्ट साइड देख सकते हैं एक लाइन में ब्लिंक होता हुआ, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट From higher concentration to lower concentration, ये हमारा कहलाता है diffusion। अब movement of solvent, यहाँ पे दोनों चीज़ों में अंतर है, movement of solvent from lower concentration to higher concentration is simply known as the osmosis। तो इस तरीके से आज के इस PowerPoint animation वीडियो में, motion वाले वीडियो में हमने देखा क्या डिफरेंस हो सकता है एक ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो प्रेजेंटेशन है वो समझ में आया होगा, आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए गए होंगे। और अगर इससे जुड़ी हुई कोई क्वेश्चन है आपकी, कोई क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट में देकर के पूछ सकते हैं, हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।